पॉलिटिकल न्यूज, स्पोर्ट्स न्यूज, क्राइम न्यूज या न्यूज हो आपके राज्य, आपके शहर की, आपके आसपास हो रहा है भ्रष्टाचार, हम बनेंगे आपकी आवाज और पहुंचाएंगे आप तक हर सच, हर वो खबर जो है जनता से जुड़ी। जो कोरोना चल रहा है इलाज, बेतिया से जा रहा था नेपाल, काम करने आया था भारत, पुलिस कर रही है जांच। बेतिया में तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया, इससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना बेतिया बलथर मुख्य मार्ग स्थित गोपालपुर थाना के पास की है। वही घटना के बाद चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। हालांकि घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। थानाध्यक्ष राजन कुमार ने कहा कि घायल युवक की पहचान नेपाल के ढोरे गांव निवासी 22 वर्षीय स्पन्ना लाल शाह के रूप में की गई है। उन्होंने कहा कि मामले में घायल युवक के आवेदन पर FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। घायल युवक के दोस्त सोहन शाह ने कहा कि वे दोनों राजकीय मिस्त्री का काम करते हैं। शनिवार को गोपालपुर थाना क्षेत्र के बड़का गांव में काम करने गए थे। काम पूरा होने के बाद दोनों अपने घर नेपाल लौट रहे थे। इस दौरान गोपालपुर थाना के पास तेज रफ्तार से बेकाबू ट्रक ने टक्कर मार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, वज्रपात न्यूज़।